मैंने बताया आपको कि ये एक हिंदुत्ववादी सरकार है, इसलिए लिया है कि यूपीएससी एमपीएससी या बाकी की जो स्पर्धा परीक्षा है उसके अंदर जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास मांडकी नारेगांव यहाँ हमारी दो ज़मीनें वक्फ बोर्ड की औकाफ बोर्ड की 150 कोटी रुपए का हम हाईटेक एक अच्छा जागतिक लेवल का दुनिया के अंदर जो कुछ देशों में जैसा फुटबॉल ग्राउंड रहते हैं वैसा घाटी के लिए वो जगह जो साइट की अलॉटमेंट हुई थी वो हमने वापस लिए क्योंकि घाटी के पास काफ़ी जगह है और यहाँ की ये जगह जो है यहाँ आज इनॉग्रेशन क्या हुआ और कैसे आया? नहीं अभी देखो ये जो मराठवाड़े का एक सबसे बड़ा शहर है औरंगाबाद संभाजीनगर, इस शहर के अंदर जो है यहाँ के जितने हाजी लोग हज को जाते हैं उनकी सारी चीज़ें यहाँ से अभी उनको रहने से लेके खाने से लेके इबादत से लेके मस्जिद से लेके सारे यहाँ हमने उनको हाईटेक जो सारी सुविधाएं देना चाहिए वो देने का काम किया है और आज से ये लोगों के बीच में जो हमारे पास कई दिनों से बना हुआ था हज हाउस इसका आज इनॉग्रेशन हो गया, इसका इब्तदा हो गई, इसकी शुरुआत हो गई। ये आप लोगों के लिए रोज़ के लिए यहाँ एक पॉलिसी बनाई जाएंगी, प्लानिंग बनाया जाएगा और उसके तहत महाराष्ट्र सरकार का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हज कमेटी ये दोनों के साथ मिलकर यहाँ काम किया जाएगा ताकि मराठवाड़े के हाजियों के लिए यहाँ से जो उनको हज को जाने के लिए जो कुछ जो जो उनको हम जामा मस्जिद में कई दिनों से सारी चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ देते थे लेकिन अब उनको ये हज हाउस से होगा। आने वाले समय में एमपीएससी यूपीएससी मुंबई में जैसा बच्चों को दिया पढ़ाया जाता नहीं, देखो ये इसके बारे में अभी हमने जो पहली बार फैसला लिया है कि यूपीएससी एमपीएससी या बाकी की जो स्पर्धा परीक्षा है उसके अंदर जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास मांडकी नारेगांव यहाँ हमारी दो ज़मीनें वक्फ बोर्ड की औकाफ बोर्ड की तो वो ज़मीनों को डेवलप किया जाएगा और वहाँ 100 करोड़ रुपए का प्रपोजल तैयार होगा जो केजी से लेके तो पीजी तक सारा एजुकेशन लेडीज़ के लड़कियों के लिए अलग लड़कों के लिए अलग हॉस्टल से लेके तो पढ़ाई वहाँ सारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक पहला जो महाराष्ट्र का वहाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कॉलेज स्कूल और यूपीएससी एमपीएससी के क्लासेस वहाँ लिए जाएंगे ताकि जो बच्चे यहाँ टैलेंट हैं ब्रिलियंट हैं उनको अच्छी पढ़ाई मिले और दीनी तालीम के संग दुनियाई तालीम होना बहुत ज़रूरी है और वो देने का काम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आने वाले कुछ समय में करेगा। आपने देखा कि हमने जो सारथी धारती मार्टी के दरमे माइनॉरिटी ये नया एक हम कंसेप्ट सामने ला रहे हैं ताकि उनका जो संशोधन है उनको जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट लगती है जो उनकी सारी माली हालत से लेके तो एजुकेशन से लेके नौकरी से लेके व्यापार से लेके बिजनेस से लेके ये सब का सर्वे होगा, सबकी मालूमात जमा की जाएंगी और बाकी के समाज के साथ यहाँ के माइनॉरिटी समाज को भी न्याय देने का काम इस हज हाउस का एक बहाना है। आज पन मैंने यहाँ से जो बताया सामने हमारा जो लेबर कॉलोनी था लेबर कॉलोनी के एक साइड के जगहों में वहाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा, वहाँ वक्फ बोर्ड का ऑफिस होगा, उसके संगत संगत हमारा मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन जो 30 करोड़ का था उसको 500 करोड़ रुपए किए महाराष्ट्र सरकार से उसकी मंजूरी दी है लेकिन अब उसका फ़ायदा अवाम तक पहुंचने के लिए उसका भी एक ऑफिस सामने बनाया जाएगा, मार्च में उसकी ऐलान किया जाएगा घोषणा की जाएंगी और उसका हमारे जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो स्पीच देंगे उसके अंदर उसका उल्लेख किया जाएगा। यहाँ एक 150 कोटी रुपये का हम हाईटेक एक अच्छा जागतिक लेवल का दुनिया के अंदर जो कुछ देशों में जैसा फुटबॉल ग्राउंड रहते हैं वैसा फुटबॉल ग्राउंड यहाँ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बनाने का काम के लिए चारों हमारे डिपार्टमेंट महसूल विभाग माइनॉरिटी विभाग और हमारा पास जो एक अहम विभाग है जो एजुकेशन का काम करता है वो एजुकेशन घाटी के लिए वो जगह जो साइट की अलॉटमेंट हुई थी वो हमने वापस लिए क्योंकि घाटी के पास काफ़ी जगह है और यहाँ की ये जगह जो है यहाँ उसका इस्तेमाल जो करना है वो एक अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी का वहाँ ग्राउंड बनाया जाएगा। माइनॉरिटी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुख्यमंत्री सीएम बने उसके बाद से आप बने काफ़ी सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है क्या? मैंने बताया आपको कि ये एक हिंदुत्ववादी सरकार है लेकिन हिंदुत्ववादी सरकार के साथ माइनॉरिटी समाज को न्याय और इंसाफ देने का काम पहली बार हो रहा है। मैं गए 4 महीने से इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर मुख्यमंत्री